हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं हूं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा YouTube भविष्य फल चैनल। इस भविष्य फल चैनल पर आप देखते हैं रोजाना रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच ज्योतिष का लाइव कार्यक्रम होता है, जिसके वीडियो इसी चैनल में पड़े हैं। हम आपसे एक बात कहते हैं, किसी भी लाइव वीडियो का एक कॉल सुन लीजिए, सिर्फ एक कॉलर को सुन लीजिए, आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। ना ऐसा प्रोग्राम आपने देखा होगा ना देख पाएंगे, इतना सुंदर और इतना सटीक प्रोग्राम। आज का विषय कुछ लेते हैं, होलिका दहन और नौ ग्रह शांति, होलिका दहन और बीमारियों का अंत, होलिका दहन और आपके मोर देन 90% समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। क्रियाएं छोटी छोटी सी हैं, लेकिन बहुत पावरफुल हैं, बड़े शानदार परिणाम। होली की रात जो होती है, होली की वह बड़ी महत्वपूर्ण होती है। होलिका के दिन आप लोग अपने, जिस दिन होलिका जलती है पूर्णमासी के दिन, नित्य कर्म से नवृत्त होकर पूजन पाठ कर संध्या के समय एक सूखा नारियल लीजिए। नारियल अपने सिर से 7 बार सीधे उतारिए, पूरे परिवार के सिर से 7 बार सीधे उतार कर यह नारियल किसी एकांत जगह में छोड़ दीजिए। किसी एकांत जगह में नारियल पूरे परिवार के सिर से 7 बार उतार कर छोड़ दीजिए। हो सके तो पीपल के नीचे छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, हनुमान जी के चरणों में रख दें तो और ही अच्छा है। अब उसके बाद थोड़ी सी जो राई होती ना, राई जिससे दाल फ्राई करते हैं, वह राई ले लीजिए, काली वाली राई। उस राई को सब लोग अपने हाथ में लेकर 7 बार सीधे उतारेंगे। बच्चों का कोई और उतार सकता है, बुजुर्गों का कोई और उतार सकता है। इस पूरी की पूरी राई को एकत्रित कर लीजिए, एक पन्नी में रख लीजिए, कागज के पैकेट में रख लीजिए, और इसकी पुड़िया ले जाकर जब होली का जलने लगे, होली का दहन होने लगे, तो जलती हुई अग्नि में, होली में यह राई फेंक दीजिए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करते हुए कि हमारे परिवार के सदस्यों की, हमारे परिजन प्रियजनों की समस्त प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाए। ऐसे करिए, बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय, बीमारियों से, संकटों से, विपत्तियों से राहत मिलेगी। एक और प्रयोग आपको बताते हैं, होलिका का ही। होलिका दहन की रात्रि में जब होली जल जाती है, सुबह सुबह सिर्फ राख पड़ी रह जाती है। यह राख बड़े काम की, हमारी एक आदत है, यह आप विश्वास मानिए कि हम बिना अनुभव की, हमारे अनुभव, बिना अनुभव की कोई बात हम नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है ज्योतिषियों की जो कीमत है, जो नाम है, इमेज है, वह बाजार में दिन प्रतिदिन गिर रही है। इसलिए हम आम ज्योतिषियों में शामिल नहीं होना चाहिए। हमारा कायदा है, जो हमारा अनुभव है, हम उसकी बात करते हैं। और जब हम अपने अनुभव की बात करते हैं तो पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, क्योंकि हमने उसे आजमाया है। होली का दहन होने के बाद दूसरे दिन राख ठंडी हो जाती है, उस राख को आप किसी तरह से उठा लाइए, पन्नी में, थैले में, लिफाफे में, पेपर में, कुल मिलाकर आप साफ सफाई का ध्यान रखें। हो सके तो सुबह स्नान करके जाएं और प्रणाम करके होली की जो राख है वह लेकर आ जाएं। उस राख को बढ़िया कपड़े से, बारीक कपड़े से छान लीजिए, यह भस्म एक जगह सुरक्षित रख लीजिए। भगवान शंकर का पूजन अभिषेक करें और इस भस्म से भगवान भोलेनाथ का स्नान करा दें। भस्म स्नान जैसे कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ उज्जैन में हमारे प्राणनाथ महाकाल को भस्म आरती होती है, भस्म श्रृंगार होता है, भोलेनाथ को भस्म चढ़ा दें। होलिका की जो राख होती है, होलिका दहन की, यह राख, यह भस्म भगवान शंकर को भेंट करने से 9 के 9 ग्रह, 84 उपग्रह, 27 नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे ग्रह भी ऐसे हो जाते हैं,
जो ग्रह आपके एंटी हैं, विरोधी हैं, नाराज हैं, वह ग्रह अनुकूल होकर शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। यह होलिका की राख का चमत्कारी प्रभाव है, इसे आप जरूर आजमाइए, जरूर करिए। आने वाली है होली, इसका उपयोग करिए। हमारे YouTube चैनल भविष्य फल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको एक से एक शानदार रोचक जानकारियां सदा सर्वदा प्राप्त तो होती रहे। ईश्वर आप सबका मंगल करें। नवग्रह आप सबके ऊपर ऐसे अनुकूल रहें। ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।